वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे वेज पैन पिज्ज़ा। इसे आप बहुत ही कम समय में घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, टेस्टी और चीज़ी बनेगा। तो चलिए इस पिज़्ज़ा को बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा बेस ले लिया है, सॉफ्ट और ताज़ी। अब फोर्क से हम इसमें थोड़ा सा छेद कर देंगे इस तरह से। मार्केट में ये पिज़्ज़ा ब्रेड आसानी से मिल जाता है। अब इसके लिए हम सॉस तैयार करेंगे। एक बोल में एक टेबलस्पून सेजवान चटनी लेंगे। आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। वेज मेयोनीज लेंगे 2 टेबलस्पून। ये सॉस खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी के साथ ही टमाटो सॉस लेंगे 1 टेबलस्पून। आप इसमें टमाटो केचप ना डालें, सॉस का ही इस्तेमाल करें। अब सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये सॉस पिज़्ज़ा या सैंडविच बनाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। आप घर में ज़रूर ट्राई करें। हमारा सॉस तैयार हो चुका है और यहाँ पे मैंने कुछ चॉप किया हुआ वेजिटेबल्स लिया है, कैप्सिकम, प्याज और बीज निकाल के टमाटर। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ थोड़ा सा मिर्चा, बॉईल किया हुआ 1.5 टेबलस्पून की करीब कॉर्न, काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, काला नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुका है और यह हमारा पिज़्ज़ा के लिए टॉपिंग्स रेडी हो चुका है। अब एक प्लेट में पिज़्ज़ा बेस को लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे सॉस जो हमने तैयार किया है। अगर घर में इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाना हो तो इस सॉस को आप ज़रूर ट्राई करें। आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम पूरे बेस में अच्छे से लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे वेजिटेबल्स जो हमने टॉपिंग्स तैयार किया है। टॉपिंग्स की क्वांटिटी आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है। और इस तरह से मैंने टॉपिंग्स को डाल दिया है। थोड़ा सा हम बचा के रख देंगे। अब टॉपिंग्स के ऊपर हम ग्रेटेड मसाला चीज़ डालेंगे। यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल किया है। चीज़ स्लाइस ग्रेट करने से थोड़ा सा चिपक जाता है। आप किसी भी मसाला चीज़ का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला चीज़ से पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें हम थोड़ा सा प्लेन चीज़ को इस तरह से ग्रेट करके बीच में डाल देंगे। आप किसी भी एक चीज़ से भी इसे बना सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ओरिगैनो, 1 टीस्पून के करीब ओरिगैनो डालेंगे। आप चाहे तो सीजनिंग भी डाल सकते हैं या इसके बिना भी आप पिज़्ज़ा को तैयार कर सकते हैं। अब ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा और टॉपिंग्स जो हमने बचा के रख दिया था। और यह हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब इसे हमें बेक करना है। गरम तावे के ऊपर मैंने पैन को रख दिया है और पैन गरम हो चुका है। अब इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से पैन में ब्रश करेंगे। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा को रख देंगे सावधानी से। अब इसे हम ढक के पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक। और 5-6 मिनट के बाद लीड को हम खोलेंगे। चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट होना चाहिए। और देखिए हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे पिज़्ज़ा कटर से काट लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप भी इस पिज़्ज़ा को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।